कप्तान हुकूमत की जानिब से अपने माजी के वादे के बरक्स पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची के तमाम 10,000 मुलाजमीन को अचानक बरतरफ कर देने के फैसले के खिलाफ शदीद रद्दअमल सामने आया है और मुतासर मुलाजमीन ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत के इस यूटर्न फैसले को तस्लीम नहीं करते और इसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे। माना के वजीर आजम पाकिस्तान यूटर्न लेने को अजीम लीडरों की निशानी करार देते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन इनके इस फलसफे को नहीं मानते और इनका मुतालबा है कि वजीर आजम और वफाकी वजीर असद उमर ने माजी में स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से जो वादा किया था उस पर अमल दरामद किया जाए, बजाय ये के वादा खिलाफी करते हुए 10,000 मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया जाए। दानियाल अजीज साहब, आप भी इधर मौजूद हैं, हम भी इधर मौजूद हैं। हमारा वादा यह है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। आपका दावा यह है कि निजकारी करके दिखाएंगे, ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, साल के बाद निकाल कर देखेंगे कि किसका वादा पूरा हुआ। याद रहे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स एक तवील अरसे से माशी मुश्किलात का शिकार है। माजी में मुतादिद हुकूमतों ने इसका हल ढूंढने की कोशिश की मगर नाकामी के सिवा कुछ हाथ न आया। अब वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स के 10,000 मुलाजमीन को अचानक नौकरियों से बर्खास्त करने का फैसला किया है, जिसकी वजह यह बताई गई है कि यह इदारा तवील अरसे से बंदिश का शिकार है और बिला वजह मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकती। याद रहे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का संगे बुनियाद भुट्टो दौर में 30 दिसंबर 1973 में कराची में रखा गया और ये आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती कॉम्प्लेक्स है, जो कि रूस की मुआवनत के साथ सरकारी तहवील में तामीर किया गया। 25,000 एकड़ पर मुहित ये देव हिकल इदारा पिछले कई बरस से सरकारी मुआवनत न होने के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार है और जून 2015 से मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। हाल ही में काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने इस सिलसिले में एक समरी की उसूली मंजूरी दी, जिसके तहत इस मिल के तमाम 9,350 मुलाजमीन को वाजबात और दीगर अदायगियों के बाद मुलाजमत से फारिग करने का परवाना थमा दिया जाएगा। ये खबर मंजरेआम पर आने की देर थी कि सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा हो गया। याद रहे कि जब तहरीक इंसाफ हिजब इख्तलाफ में थी तो मौजूदा वफाकी वजीर असद उमर ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा था कि अगर इनकी हुकूमत आई तो वो स्टील मिल्स को चलाकर दिखाएंगे। उन्होंने मुलाजमीन से कहा था कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लें ताकि अगर मैं अपने बयान से पीछे हटूं तो कल आप मुझे ये दिखाकर शर्मिंदा कर सकें। मैं आपके साथ ये वादा करता हूं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और स्टील मिल्स के मजदूरों के खिलाफ कोई फैसला किया गया तो मैं तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हूँ। आखिरी वादा, और ये रिकॉर्ड कर रहे तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको। टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ, ऐसा तुम्हें तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा रहना चाहूंगा। अब यही वीडियो सार्फीन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और असद उमर के कहे हुए अल्फाज के मुताबिक इन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम लगता तो यही है कि इन्हें इस फैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं, वरना इस तरह का फैसला होता ही ना। शहरयार भगत ने, जो अपने ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुलबा विंग के रहनुमा है, वज़ीर आज़म इमरान खान का माजी का खिताब शेयर किया। इस खिताब में अपोजिशन रहनुमा के तौर पर इमरान खान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को आगाह कर रहे हैं कि अगर इनकी हुकूमत आती है तो वो स्टील मिल को कैसे अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। मैनेजमेंट लाके प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। चंद सार्फीन ऐसे भी हैं जो इस फैसले को सुबाइयत के तनाजुर में देख रहे हैं। एक ट्विटर सार्फ ने लिखा कि नौकरी पेशा अफराद को नौकरियों से फारिग करना पीटीआई के मंशूर में शामिल नहीं था। पीटीआई का नारा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, स्टील मिल के मजदूरों को नौकरी से निकालना सिंध दुश्मनी के अलावा और कुछ नहीं। सुर्ख मनाहिल नामी एक सार्फ ने लिखा कि स्टील मिल 8,000 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर रही है, जबकि सन 2013 के बाद रिटायर होने वाले 4,000 स्टील मिल मुलाजमीन को इनके रिटायरमेंट के फंड नहीं मिले। वाजबात की वसूली से कबल ही 600 से ज्यादा मुलाजमीन इंतकाल कर चुके हैं, बराहे मेहरबानी इस मसले पर आवाज़ उठाइए। एक और सारिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान में एक भी शख्स ऐसा नहीं जिसे गोल्डन हैंडशेक के बाद पेंशन मिली हो। मेरे वालिदैन एक वक्त में NDFC के मुलाजमीन थे, इनको NVP में नौकरी देने और पेंशन देने का वादा किया गया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। स्टील मिल के कारकुनान को भी कभी अपनी पेंशन नहीं मिली। मोहम्मद इमरान महदी ने लिखा कि साफ बात यह है कि माजी में इमरान और उनकी टीम के पास हर मसले का हल मौजूद था, जिसमें स्टील मिल्स भी शामिल है, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि वो इंतखाबात के लिए सियासी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं थी, जो वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश थी।
YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।